हिमाचल प्रदेश में बारिश तबाही मचाई हुई है। आनी के निर्मंड में दो जगह कुल्लू के मलाड़ा, मंडी जिले के थलूट खोड व चंबा जिले में बादल फटे हैं। बादल फटने से कई मकान, स्कूल और अस्पताल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तीनों जगह पर करीब 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। यहां 35 लोग सुरक्षित बचाए गए हैं। बादल फटने की घटना के बाद डीसी ने आदेश जारी कर मंडी के पधर के सभी स्कूल और शिक्षण संस्थान आज बंद कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिले के रामपुर क्षेत्र के समेज खड में खोज और बचाव अभियान के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां बादल फटने के बाद 50 से अधिक लोग लापता हैं। उन्होंने कहा कि एक ही रेंज में 3 से 5 बादल फटे हैं, लगभग 50 लोग लापता हैं। अगले 36 घंटों में बारिश की संभावना है। सभी डिप्टी कमिश्नर को निर्देश दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। नहीं, अभी हमारी पूरी हाई पावर मीटिंग हुई है। रात को क्लाउड बस्ट हुआ, कोई सुबह का समय था, 4:40 के करीब एक ही रेंज में 3 से 5 तक क्लाउड बस्ट हुए। उस स्थिति में तकरीबन 50 के लोग करीब मिसिंग है। दो डेड बॉडी रिकवर कर ली है और अभी पूरी जानकारी ले रहे हैं। अगले 36 घंटों में भी यहाँ अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। सभी डिप्टी कमिश्नरों को आदेश दे दिए गए हैं। सब घटना स्थल पर डिप्टी कमिश्नर पहुंच गए हैं, एसटीआरएफ की टीम पहुंच गई है, एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। सभी से हमारी बातचीत हुई।